प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के नीचे रेलवे लाइन ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक के दोनों पैर कट गए। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने युवक को निजी वाहन से सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल युवक की पहचान नगला निवासी हीरा लाल के रूप में हुई है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों पैर कटे देख नाजुक हालत के चलते पीड़ित को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार जब हाला नगला निवासी हीरा लाल रोज की तरह मेहनत मजदूरी करने के इस बार भी घर से सुबह तड़के निकला ही था। रोज की तरह रेलवे पटरी पर होकर गुजरता था। आज सुबह भी ट्रेन की पटरी से होकर गुजर रहा था, अचानक तेज रफ्तार आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे हीरा लाल की दोनों टांगे ट्रेन के नीचे आने से कट गई, जिसमें ट्रेन की चपेट में आने से पीड़ित हीरा लाल बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित को ट्रेन के आगे फेंका गया है या खुद ट्रेन की चपेट में आया है, पुलिस आगे की तफ्तीश में पीड़ित की तहरीर में जुट गई है। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता जी, क्या हुआ है आपके पति को? किस तरह से ट्रेन से कटे हैं और क्या पूरा मामला है? काम पे से आए थे रात जी। अच्छा, हमने खाना खाने का ही थी तो बोले अभी नहीं खा रहे, मैं बाद में खा लूंगा जी। तो बोले तुम सो जाओ, 8 बजे के टाइम। बोले मैं अपनी खाट पर जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। तो हम भी सो गए, वो भी सो गए। उसके बाद पता नहीं, मैंने उठ कर देखा तो खाट पे नहीं थे। कहाँ पर थे? उधर सो रहे थे। यहाँ से कब आए? मुझे पता नहीं, रात में किस टाइम उठ कर गए थे यहाँ से। क्या कह रहे, खाट पे सो रहे हैं? क्या अपनी मन मुटाव था आप लोगों के बीच में या क्या बात थी जो आप? तो कोई लड़ाई नहीं थी हमारी। क्या कोई आशंका ऐसी है कि किसी के द्वारा ये करा गया हो, धक्का वगैरह? या ये हमें पता नहीं, हमसे तो नुका रही सो जाओ तो हम सो गए। तो किससे मेरा ती हादसा हुआ है? रात 8 बजे के टाइम कह रहे हमसे सो जाओ, और पता नहीं चला किस समय। फिर ये पता नहीं चला किस समय चलेगा उठ के। मैंने रात में देखा तो खाट पे नहीं थे वो। आपको कैसे मालूम बोला ऐसा हो गया? सुबह फोन आया था। किसका फोन आया था? ये हमारे फोन घर वाले का, घर ही रख दिया। काम पर आते हैं ना तो घर ही रख देते हैं। अब कहाँ पर हैं? अब तो अस्पताल में हैं। तो पुलिस आई थी यहाँ पर मौके पर? नहीं आई पुलिस। ना आई। क्या चाहती हो आप? अब क्या चाहते हो आप? चलो नहीं जा। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। इनके पापा के अलावा कोई करने वाला इनके परिवार में है? नहीं, कोई नहीं। सरकार से कोई मदद चाहती है? दोनों पैर कट चुके हैं आपके पति के। जो जानकारी में हॉस्पिटल से आ रहा, डॉक्टरों का कहना है कि उनके दोनों पैर कट चुके हैं और वो विकलांग, मतलब चल फिर नहीं सकते। तो अब सरकार से कोई उम्मीद है आपकी? हाँ, मैं तो चाहती हूँ। कोई कमाने वाले नहीं मेरे बच्चे, छोटे छोटे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।